हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रीन केमिस्ट्री का जो पेपर 3 था, पेपर 3, उसकी की पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसका की देखेंगे कैसा है। तो इस पेपर में आधे घंटे का टाइम दिया गया था, 20 क्वेश्चंस थे, और इंक्लूडिंग आपकी जो डिटेल्स भरने रहते हैं, वो इंफॉर्मेशन आपकी। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन जो था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल फीड स्टॉक। रिन्यूएबल मतलब जो डिप्लीटिंग ना हो, यानी जो बार बार हम जनरेट कर सकते हैं। जो प्लांट प्रोडक्ट्स रहते हैं, यानी प्लांट से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें, जैसे लिपिड ऑयल्स हैं, लिग्निन्स हैं और टर्पीन्स, ये रिन्यूएबल है। जबकि पेट्रोल, जो पेट्रोलियम से मिलता है हमें, ये डिप्लीटिंग है। तो ये जो वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो आंसर है पार्ट नंबर सी, तो ये रिन्यूएबल फीड स्टॉक नहीं है। ठीक, पेट्रोल या पेट्रोलियम। इस तरह से माइक्रो असिस्टेड रिएक्शंस कैन नॉट बी कैरीड आउट इन वेसल्स मेड अप ऑफ। हम मेटल रिलेटेड जो मटेरियल्स रहते हैं, जहाँ पे माइक्रोवेव का रिफ्लेक्शन होता है, उनमें हम माइक्रोवेव रिएक्शंस नहीं करते। तो उसमें आएगा स्टील, क्योंकि स्टील पे ये रिफ्लेक्ट होते हैं। बाकी टेफलॉन, गिलास या कॉड्स, इनमें आप माइक्रोवेव असिस्टेड रिएक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एनर्जी एफिशेंट प्रोसेस। इन एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी बचत कहाँ पे होती है। कन्वेंशनल हीटिंग जो है, ये एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, ये वाला। बाकी ये माइक्रोवेव हीटिंग में और अल्ट्रासाउंड और फोटो कैटालिसिस, इसमें एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी रहती है, एनर्जी बचत अच्छी होती है। ठीक है, और है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ 2-ब्यूटाइन, यानी मैं ऐसा लिखूँगा CH3C CCC। अगर आप इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, तो ये आपको सीधा ब्यूटेन देगा, CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक है, लेकिन अगर आप ये रिएक्शन Ni2B की प्रेजेंस में करते हैं, प्लेटिनम की बजाय Ni2B लेते एज कैटलिस्ट, तब ये आपको सिस एल्कीन देता, यानी CH2 ब्यूटेन देता आपको। लेकिन इसमें सिर्फ क्या देगा, ब्यूटेन देगा, ये वाला सी इसमें आंसर है। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास में क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला क्वेश्चन है। ये सबको मालूम है कि क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 इज 31 डिग्री सेल्सियस, 31 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए रिएक्टेंट इन रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। देखो, एल्डिहाइड्स यूज कर सकते हैं वहाँ पर, कीटून्स, अल्फा हेलो एस्टर से ही रिएक्शन होती है, लेकिन बीटा हेलो एस्टर जो, ये हम वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं एज रिएक्टेंट। ये आप सब लोगों ने फॉर्मेट्स की रिएक्शन पढ़ी होगी। इस तरह से ट्रांसड्यूसर जो रहता है, ट्रांसड्यूसर डिवाइस से कौन सी चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं, कौन सी तरह का फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं। देखो, माइक्रोवेव्स नहीं करते, मैग्नेटिक फील्ड नहीं करते, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे हमें अल्ट्रासाउंड रेडिएशंस मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन एंटी फोलिंग एजेंट। एंटी फोलिंग एजेंट इसमें से कौन सा है जो ग्रीन है। देखो, TBTO जो है, ये भी एंटी फोलिंग एजेंट है, टिन ट्राइब्यूटाइल टिन ऑक्साइड, ये दोनों तो नहीं है एंटी फोलिंग एजेंट। और बचता है इसमें ये डिकॉय। डिकॉय कंसिडर किया जाता है एज ग्रीन एंटी फोलिंग एजेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द डिवाइस यूज टू जनरेट माइक्रोवेव इज कॉल्ड। हम मैग्नेट्रॉन यूज करते हैं, ठीक है, ट्रांसड्यूसर या साइक्लोट्रॉन या पॉजिट्रॉन, मैंने ऐसे ही लिखा ना, ये वाला मैग्नेट्रॉन जो है, ये यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस माइक्रोवेव्स, राइट। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड रेडिएशंस। अल्ट्रासाउंड मतलब साउंड से ज़्यादा, ऑडिबल साउंड से ज़्यादा, तो मोर देन अल्ट्रासाउंड, ये है मोर देन हाइपर साउंड या लेस देन इंफ्रासाउंड या लेस देन ऑडिबल साउंड, ये सब गलत है, ये वाला सही है। अल्ट्रा मतलब ज़्यादा, साउंड से ज़्यादा, ऑडिबल साउंड से ज़्यादा। फिर है आयोनिक लिक्विड्स। बहुत इजी क्वेश्चन थे ये, सिर्फ कंसंट्रेशन की ज़रूरत थी और दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। आयोनिक लिक्विड्स डू नॉट पजेस फॉलोइंग प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आयोनिक लिक्विड्स में नहीं होती। देखो, वेपर प्रेशर इनका कम रहता है, क्योंकि आयनिक रहते हैं ये, ज़्यादा वेपर नहीं बनाते, बनाते ही नहीं ऑलमोस्ट। और थर्मल स्टेबिलिटी इनकी अच्छी रहती है, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं और हीट रहते हैं,
लेकिन इनका जो वेपर प्रेशर है वो हाई नहीं होता, यानी ज़्यादा वेपर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए इनका जो वेपर प्रेशर है वो लो रहता है। यानी ये वाला गलत है, ये इनकी प्रॉपर्टी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एटम इकोनॉमिक रिएक्शन। अब मैं कुछ रिएक्शन दिखाऊंगा आपको, आपको दिखाना है कि मोस्ट एटम इकोनॉमिक रिएक्शन कौन सी है। अब एटम और इकोनॉमिक रिएक्शन का मतलब जिसमें पूरे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में इनकॉर्पोरेट हो। मैं दिखाऊंगा कुछ रिएक्शंस आपको, ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पे कोई कैटलिस्ट वगैरह नहीं लिखा है या कंडीशंस इनमें नहीं लिखी है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो, इसमें ये एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है और यहाँ पे ये इस तरह का प्रोडक्ट बनता है और वाटर निकलता है। तो इसका मतलब इसका एक पोर्शन जो है वो प्रोडक्ट में नहीं होता, ये वेस्ट हो जाता है, यानी इससे एटम इकोनॉमी इसकी कम हो जाती है। अब ये वाला देखो, डेल्ज़ेल्डर रिएक्शन जो यहाँ पे, इसमें क्या होता है, इसमें ये दो आपस में मिलते हैं और ये प्रोडक्ट बना देते हैं। और ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट, इसमें कुछ भी लॉस नहीं होता, तो इसका मतलब पूरे के पूरे एटम्स इस प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। सो वी कैन से इट इज़ एटम इकोनॉमिक रिएक्शन। इसमें भी थोड़ा लॉस होता है, इसमें भी लॉस होता है। यानी जहाँ पे साइड प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं वहाँ पे एटम इकोनॉमी कम होती है, जहाँ पे साइड प्रोडक्ट नहीं बनते वहाँ पे एटम इकोनॉमी अच्छी होती है। तो इसका मतलब ये वाला जो आंसर है ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, देखो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हम आजकल बनाते हैं। पॉलीथिलीन तो उसमें कंसिडर नहीं होता, नायलॉन 6/6 उसमें कंसिडर नहीं होता, पॉलीस्टाइरीन भी नहीं होता, लेकिन पॉलीलैक्टिक एसिड, इसके हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बनाते हैं। समझ में आना, ये यूज़ किया जाता है एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इसी तरह से बाय डेफिनेशन अगर हम आयोनिक लिक्विड्स देखेंगे, तो आयोनिक लिक्विड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो हम मानते हैं कि वो आयोनिक सब्सटेंसेस जिनका आयोनिक जिनका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो। तो इसका मतलब ये सीधा ये आंसर आ जाता है, क्लियर। उसके बाद में और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ये 14 हो गया, 15 है। स्ट्रकर सिंथेसिस में क्या क्या बनाते हैं? लिपिड्स तो नहीं बनाते, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बनाते, ईथर्स भी नहीं बनते, वहाँ पे बनाते हम ये वाली अमीनो एसिड्स, उससे बनाए जा सकते हैं, क्लियर। स्पेशली इसके लिए यूज़ होता है इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। एपमॉक कैटलिस्ट, ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, प्रोटेक्टिंग एजेंट, ये किसके लिए, किसकी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है? तो अमीनो ग्रुप्स की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही फेमस है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में ये काम आता है, पेप्टाइड सिंथेसिस में, वहाँ पे हम अमीनो ग्रुप्स को एपमॉक से ही ब्लॉक करते हैं, ठीक है। इन सोनो केमिकल सिंथेसिस प्रेशर ऑफ ए सिस्टम इज इंक्रीज्ड, रेट ऑफ माइक्रो बबल फॉर्मेशन। अगर प्रेशर बढ़ जाता तो माइक्रो बबल फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, समझ में आया। इस तरह से डाइमिथाइल कार्बोनेट, ये हम यूज़ करते हैं ग्रीन मिथाइलेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे लिखा है कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट, कार्बोनेटिंग एजेंट, कार्बोनेटिंग एजेंट, लेकिन इसमें ये आता है मिथाइलेटिंग एजेंट, समझ में आया ना। बाद में आता है नेचुरल सोर्स ऑफ फिनॉल, फिनॉल्स, फिनॉल्स का नेचुरल सोर्स कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है, प्रोटीन नहीं है, टर्पीन नहीं है, लिग्निन्स माने जाते हैं। तो इसका आंसर है लिग्निन। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड एज सॉलिड सपोर्ट इन माइक्रोवेव असिस्टेड सिंथेसिस। माइक्रोवेव असिस्टेड सिंथेसिस में हम मेटल्स को सपोर्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मेटल्स से रिफ्लेक्शन होती है। तो एलुमिना जो है ये मेटल नहीं है, मेटल ऑक्साइड Al2O3, ये SiO2 है सिलिका, और क्ले जो रहती है ये एलुमिनो सिलिकेट्स रहती है, ये भी ऑक्साइड्स रहते हैं, एलुमिनियम और सिलिकॉन ऑक्साइड्स, ये भी मेटल नहीं है। तो ये तीन मेटल नहीं है। तो अब बचता है हमारे पास में ये आयरन, आयरन मेटल है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते एज सपोर्ट। सपोर्ट ऑफ व्हाट? सपोर्ट इन माइक्रोवेव असिस्टेड सिंथेसिस, समझ में आया ना। तो रिएक्टेंट सपोर्ट उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत सिंपल सा है, सिंपल सी सा पेपर है, सिंपल से रिएक्शन, सिंपल से क्वेश्चंस थे, बहुत इजी थे।
लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता था कि आपके लिए की बनाऊं, तो ये आप की आपके सामने आप ये आप मैच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने पेपर कैसा किया, सही किया कि गलत किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।